लाइफ की क्वालिटी या गुणवत्ता खराब करने वाला डिप्रेशन, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह प्रैक्टिस में मुझे काफ़ी लोग दिखे, मेरे कंसल्टिंग में आए वो लोग, या फिर जनरल पब्लिक में भी बहुत सारे लोग हमको दिखते हैं, हमारे परिवार में, दोस्तों में, फैमिली रिलेशनशिप्स में, कि वो लोग ऐसे रहते हैं कि टिपिकली उनको ऐसा बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहता, बहुत एनर्जी रहती नहीं है, चेहरा ऐसा उनका बहुत उत्साहित उल्लसित नहीं रहता, कोई काम करने में जोश नहीं है, जुनून नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है। तो लगता है कि ऐसा क्यों है। जब डिटेल स्टडीज़ किया, एक एक मालूम पड़ा कि उनको डिस्थैमिया है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये क्लासिकल बीमारी है। इसमें होता क्या है, डिस्थैमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अपना जो लाइफ है उसकी गुणवत्ता जो, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो दर्जा है, वो कम हो जाता है। ये व्यक्ति टिपिकली 25 साल के ऊपर का होता है, 50 साल तक। आज ये बीमारी से करीब करीब 1 करोड़ लोग हर वर्ष हमारे देश में प्रभावित होते हैं ये बीमारी से। 1 करोड़ हर वर्ष लोग हैं। ये क्या होता है ये बीमारी में, कि उनका मूड लो रहता है, बहुत ही लो मूड, उनका हलचल जो है, चलना घूमना फिरना थोड़ा सा स्लो रहता है। मतलब आप टिपिकली उनको डिप्रेशन ही बोल सकते, मगर हाई डाउन लोअर साइड में होपलेसनेस है, उनको काफ़ी निराशा रहती है, उनके विचार निराशाजनक रहते हैं, कुछ होने वाला है नहीं, कुछ पड़ा नहीं, कुछ मतलब नहीं है, और कुछ भी आप उनके सामने बोलो, कोई योजना बोलो, कोई प्लान बोलो, तो बोलेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा नहीं। उनका खान पान जो है वो एक तो कम रह सकता है नॉर्मल से, या बहुत ज़्यादा रह सकता है, और ऐसा उदास के साइड पे रहता है, लोअर साइड ऑफ मूड्स, मतलब लो मूड में रहते हैं। डिस्थाइमिया जो है ना, इनको एक्चुअली इनको डिस्थाइमिया बीमारी है। ये शब्द ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है बैड स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की खराब अवस्था। ये लोग जो है वो, मतलब ये डिसऑर्डर हमको बोलते हैं कि कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली 2 साल से उसको ऐसी बीमारी है। तो ये क्या होता है, बीमारी करके डायग्नोज होती नहीं है। ये लोग वैसे काम करते रहते हैं, चलते फिरते, खाते पीते हैं, मगर हम बोलते हैं ये डल है, थोड़ा सा ढीला है ना, फ्रेश नहीं रहता, हरदम निगेटिव बोलते रहता है ऐसा। तो इनके साथ में काम करना अपने लिए बहुत टायरसम हो जाता है, वो जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं, जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट काम फिनिश नहीं करेंगे। और ये इनको यदि खासियत ये है कि इनको हम यदि मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन का इलाज यदि करते हैं, तो मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है इनका, और बहुत नॉर्मल हो सकते हैं। एक तो मेरा ऐसा पेशेंट था, बोले पिछले 4 साल से मैं ऐसा था, मैंने उसको बोला मैं आपको दवाई देता हूँ, आप चालू कर दो, उसको मैंने ऐसी गोली दिया कि जो सुबह लेनी थी, बोले नहीं आपकी दवाई से तो बहुत नींद आती है मुझे दवाई। मैंने भाई आपको नींद नहीं आएगी, आपको उल्टा अच्छा लगेगा। मैंने उसको सुबह दवाई दिया, सब गोलियां सुबह की दिया कि सुबह गोली ले लो, उपचार सुबह का किया, उसको दिन भर इतना फ्रेश लगने लगा, सेकंड थर्ड डे पे बोला मेरी ज़िंदगी बदल गई। ऐसा हुआ ही कैसे, मैंने कहा भाई ये केमिकल लोचा आपका था, उसके वजह से डिस्थाइमिया हुआ था, मैंने जो दवाई दिया उससे वो केमिकल बैलेंस ठीक हो गया और आपको अच्छा लगने लगा, चमत्कार जैसा हो गया। बोले अरे मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इतना उत्साहित मैं रह सकता हूँ, मैंने तो मेरी ज़िंदगी के 4 साल फालतू गए, मेरे फालतू बिता दिए, मुझे मालूम रहता था कि ऐसी बीमारी है और इसका इलाज है तो 4 साल में मेरी ज़िंदगी के कहीं तभी बहुत आगे जा सकता था। जैसे आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो डिस्थाइमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इससे ग्रसित होंगे, इससे पीड़ित होंगे, मालूम रहता नहीं है। वो साइकेट्रिस्ट का नाम भी लिया तभी वो बोलते हैं अरे हमको क्या, हम क्या पागल हो गए कि हमको क्या, कैसा समझ रहे कि तुम ऐसा कुछ हुआ करके, मुझे कुछ नहीं हुआ वगैरह, चलता ही है ऐसा ऐसा करके वो टाल देते हैं, ना जीपी के पास में जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं पेट दर्द कर रहा, कभी हाथ पैर दर्द कर रहे, बॉडीली इलनेस है, कभी सर दर्द कर रहा, उसके लिए डॉक्टर के पास में जाते रहते, फिर उनको डॉक्टर लोग सलाइन चढ़ा देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, कुछ टॉनिक लिख देते हैं, थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगता है, फिर वैसे की वैसे बोले नहीं ऐसा ढीला ही आदमी है ये, ऐसा करके हम उनको छोड़ देते हैं। तो ये लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करो, वो जो दवाई लेंगे ये, और दवाई के साथ साथ हम उनको साइकोथेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सम्मोहन उपचार अर्थात हिप्नोथेरेपी करते हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा और जल्दी फायदा हो जाएगा। जो दवा नहीं लेना चाहते हैं उनको साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी से फायदा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड लाइकिंग, थैंक यू। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी
इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।